अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया अपने पहले टेस्ट मैच में जीते तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। भारत ने सस्ते में गंवाए 5 विकेट। जीत के लिए 84 रन की दरकार। भारतीय टीम 194 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज तीसरा दिन है। रविचंद्रन अश्विन को हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। अश्विन ने 3 चौकों की मदद से 15 गेंद पर 13 रन बनाए और जेम्स एंडरसन की गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को आसान कैच देकर आउट हो गए। कॉम इंग्लैंड के पहली पारी के 287 रन से जवाब में भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली के 149 रन की बदौलत 274 रन बनाए। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 13 रन की बढ़त हासिल हुई। पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को विकेटों की पतझड़ के बीच कप्तान कोहली ने एक छोर संभाले रखा और अपनी टीम को 274 रनों के स्कोर तक पहुँचाया। यहाँ से ईशांत का जलवा देखने को मिला। उन्होंने 16 रनों के भीतर इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को चलता किया। डेविड मलान 20 और जॉनी बेयरस्टो 28 लय पकड़ पाते। इससे पहले ईशांत ने दोनों को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने पहले मलान को 70 के कुल स्कोर पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच कराया और फिर 85 के कुल स्कोर पर बेयरस्टो को शिखर धवन के हाथों कैच करा इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। 1 रन बाद बेन स्टॉक्स 6 भी ईशांत की गेंद पर विराट कोहली को कैच दे बैठे और इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त हो गया। इससे पहले भारत ने अपने कप्तान विराट कोहली की 149 रनों की जुझारू पारी के दम पर मुश्किल स्थिति से निकलते हुए 274 के स्कोर तक पहुंचने में सफलता हासिल की थी। कोहली ने 225 रनों की पारी में 22 चौके और 1 छक्का लगाया था। यह कोहली का इंग्लैंड में पहला शतक था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।